तो आज है तीज और दिन की शुरुआत हमने करी खाना बनाने से। और सबसे पहले हमने आलू टमाटर बनाए, और आलू टमाटर की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। बहुत इजी सब्ज़ी है और 2 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तीज की थाली तैयार करनी थी तो हमें कद्दू भी बनाना था, मीठा कद्दू जिसे बोलते हैं, या फिर आपके यहाँ कासी फल भी बोला जाता होगा उसको। सीताफल और हलवा भी बनाना था, मीठे पुए भी बनाने थे, और पूरियाँ भी बनानी थी, तो बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो आज का काफ़ी बिजी स्केड्यूल होने वाला था, तो सबसे पहले मैंने इस सब्ज़ी से शुरुआत करी क्योंकि ये बहुत इजी 2 मिनट में बनने वाली है। और अब हम बनाएंगे मीठा कद्दू, और उसके लिए सबसे पहले मैंने कद्दू काट लिया है, और उसके बाद उसे क्यूब्स में काट लेंगे, अच्छी तरह छील लेंगे। कई जगह पर छिलके वाला कद्दू भी बनाया जाता है, और अब उनको छील के धो के साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी टमाटो प्यूरी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटो क्यूब्स में भी काट सकते हैं, हमने यहाँ पर क्यूब्स में काटे हैं। और मैंने देखा है कई जगहों पर कासीफल पसंद नहीं करते हैं लोग, बट आप इस तरह से बनाएंगे तो सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब हम कुकर में ऑयल ले लेंगे और उसमें मेथी दाना डाल देंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा आपके कद्दू को, चटपटा कद्दू बनने वाला है, एकदम खट्टा मीठा सा। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें अपना कद्दू ऐड कर देंगे जो हमने क्यूब्स में काटा था। ध्यान रखिए, अगर आपको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो प्लीज़ इसका छिलका रिमूव कर दीजिए। उसके बाद हम अपने सारे मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक डाल देंगे। हमारे यहाँ जब भी त्यौहार का खाना बनता है तो मीठा कद्दू ज़रूर बनाया जाता है, और ये पूरी के साथ, परांठे के साथ या रोटी के साथ, किसी के भी साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमने यहाँ चीनी भी ऐड करी है, और हमने ऊपर से थोड़ा सा हींग भी ऐड किया है, और इसको सीटी लगाने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है। हमारा जो कद्दू होने वाला है वो बहुत ही खट्टा मीठा बनने वाला है, और अब सीटी लग चुकी है। और अब इसमें हम नींबू ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्ट चेंजर है ये, और आपको ये रेसिपी डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। और अब हम बनाएंगे बूंदी का रायता, और अब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे और उसमें बूंदी को थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, उससे बूंदी मुलायम हो जाती है। हमारे घर में तो बूंदी का रायता ऑन अ रेगुलर बेसिस बनता ही बनता है, क्योंकि हम सबको ये रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको खीरे के रायते की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमारी बूंदी थोड़ी सी मुलायम हो गई है, और अब हम दही लेंगे और उसमें हम अपनी बूंदी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम दही में 2 पैकेट बूंदी ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने ऐड करने हैं। और इसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट अनुसार, और थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दीजिएगा फॉर बेटर टेस्ट, और थोड़ा सा हींग और हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और यहाँ 5 मिनट भी नहीं लगे और आपका रायता एकदम रेडी है खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी लगने वाला है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जल्दी से जाके ट्राई कीजिए, और अपने बच्चों को खिलाइए, उनको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चे रायता नहीं खाते हैं, तो उनको एक बार खिला कर देखिए। अब बारी है मीठे पुए बनाने के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी में 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी है। यहाँ पर हम मीठा पानी बना रहे हैं, और उसके बाद हम आटा लेंगे, और उस आटे में हम वो मीठा पानी ऐड करेंगे जो हमने चीनी वाला बनाया था। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे ऐड करा है, जिससे लम्प्स ना पड़े। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ऐड करते रहेगा वो मीठा पानी, और फिर हमारे पास एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एक बैटर बन जाएगा। और उसमें बहुत थोड़े से अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिससे हमारे जो मीठे पुए हैं वो अंदर से सॉफ्ट होंगे। एंड नाउ हमारा बैटर इज़ ऑल रेडी, और हमारे मीठे पुए बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाले हैं। और ये पता है चॉकलेटी, बहुत चॉकलेटी चॉकलेटी सा फ्लेवर देते हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा।
और मीडियम आँच से भी कम आँच पे आपको ये जो मीठे पोहे हैं सेकने हैं, तभी अंदर तक ये सिकते हैं अच्छी तरह और ऐसा कलर आ जाएगा डार्किश ब्राउन कलर। और ये कलर ही इसका फ्लेवर दे देता है, एक्चुअली बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब बारी आती है सूजी के हलवे बनाने की। तो मेरा पर्सनल फेवरेट हलवा है ये, और ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी सूजी में एक कटोरी घी ले लिया है, और हम उसको थोड़ी देर भून लेंगे, और जब ये थोड़ा सा इस कंसिस्टेंसी का आ जाएगा उसमें 1.5 कप शुगर डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें 4 कप पानी ऐड कर देंगे, और ये हमारा सूजी का हलवा एकदम ऐसा डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन तो नहीं, हल्का जो होता है ना सैंडी कलर का हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाला है ये हलवा, और सभी का फेवरेट होता है। और हम इसमें जब पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर, जब तक वो दोबारा थिक नहीं हो जाता तब तक हम पकाते रहेंगे, और अपने फेवरेट जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे, और हमारा सूजी का हलवा इज़ ऑलरेडी। अब बारी है एकदम लास्ट चीज़ पूरी बनाने की। उसके लिए जल्दी से हमने आटा ले लिया और उसको गूंथ लिया है, और अब फटाफट से हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और पूरियाँ बेल लेंगे, और अब इसके बाद तो बस तैयार होने जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली तीज है, तो तीज की थाली एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। हैप्पी तीज टू ऑल।